आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जान लीजिए, चूंकि 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, तो सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। 11.31% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। पंजाब जहां पर सभी सीटों पर मतदान हो रहा है, 13 की 13 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 9.64% लोगों ने मतदान किया। ओडिशा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 7.69% मतदान हुआ है। वहीं झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ। वहीं चंडीगढ़ में भी सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, 11.64% वोटिंग यहां पर हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 12.64% मतदान। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 सीटों पर, क्योंकि आज भी मतदान हो रहा है, 9 बजे तक 12.94% मतदान, यानी लगभग 13% वोट यहाँ पर कास्ट किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ भी 9 बजे तक लगभग 15% वोट डाले गए हैं। बिहार की बात करें तो लगभग 11% मतदान यहाँ पर हुआ है, यानी सुबह सुबह जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह मतदाताओं के बीच है। और पश्चिम बंगाल में जो जहाँ अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हर चरण में रहा है, वहाँ भी लगभग 13% मतदान अभी तक हो चुका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 14.35% लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है। बीजेपी दावा कर रही है सभी की सभी सीटें हमारे फेवर में जा रही है, हम जीत रहे हैं। थोड़ी देर पहले कंगना रनौत की तस्वीरें भी सामने आई थी। ओवरऑल 11% से ज्यादा सुबह तक का मतदान, 11.31%, लेकिन जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है अभी तक वो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। अजीत मंदोला जी, अभी तक तो पश्चिम बंगाल अव्वल रहता था, यूपी भी बढ़ चढ़कर लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है, वोटिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 14.35% मतदान, ये किसका असर है? अजीत जी, मौसम का भी प्रभाव है क्या? नहीं, हिमाचल एक तो ठंडा राज्य है, मौसम का प्रभाव तो ही ठंडा राज्य है। लोग आज छुट्टिया दिन रहता है, वोटिंग देने निकल रहे हैं, समझदारी का काम कर रहे हैं हिमाचल के लोग। देखिए, हिमाचल की 4 सीटें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, और इन 4 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार बड़ा मार्जिन से चुनाव जीती थी, 3.5-3 जीती थी, और कांग्रेस के लिए और ये राज्य इस बार बहुत महत्वपूर्ण बना है, क्योंकि 6 विधायक जो थे इनके, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव इसी समय हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अगर किसी राज्य को सबसे ज्यादा ध्यान दिया है तो हिमाचल को दिया है। बीजेपी तो निश्चिंत है अपनी 4 सीटों को लेकर, लग रही है कि बीजेपी वहां पर हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट दे, 2019 रिपीट करे, लेकिन वहां मंडी की सीट इसलिए बन गई क्योंकि कंगना रनौत सिने अभिनेत्री वहां पे आ गई, विक्रमादित्य जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे, उनकी माँ वहां सांसद रही, तो इसलिए मंडी की चर्चा ज्यादा हो रही है। हालांकि कांग्रेस के एक बड़े नेता कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं आनंद शर्मा, वो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही उस बात की। सूचना प्रसारण मंत्री भी वहीं से लड़ रहे हैं अमित, कहने का मतलब ये कि हिमाचल मौसम की वजह से वहां के लोग अगर समझदारी से वोटिंग कर रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं कि हिमाचल में कांग्रेस ने जातीय जनगणना और आरक्षण की बात नहीं की, क्योंकि वहां पर जो राजपूत ब्राह्मणों का बाहुल्य है, तो कांग्रेस ने वहां पर पूरे देश में प्रचार करा जातीय जनगणना आरक्षण तमाम मुद्दे वो कही, लेकिन वहां पर कांग्रेस इसी बात पर चली कि भाई हमको वोट तो हमारी सरकार चली, हम अच्छा काम करेंगे। प्रियंका ने 3-4 दिन वहां अलग से समय दिया, तो अच्छी बात है अगर वोटिंग बढ़ती है। मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, एक लोकतंत्र का पर्व है। आज अगर 9 जहां वोटिंग है वहां बड़ी संख्या में लोगों को निकलना चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है अपने दर्शकों को कि भाई अधिक से अधिक आप निकलें, यही बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन हिमाचल में ज्यादा वोटिंग हो रही है, वो मौसम भी है, पहाड़ी इलाका है, और वहां पर एक जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी। तो मेरा मानना है कि बंगाल के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा वोटिंग होगी तो बिल्कुल मौसम का भी असर है, क्योंकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी है और बिहार जैसे राज्यों में भी आज गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि मतदाताओं के बीच उत्साह दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है हिमाचल और बिहार के वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। दोबारा आपका रुख करेंगे अजीत जी, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाकवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।